मैंने ये फोटोग्राफ जो है वो एक फोटोग्राफ जो है दोनों फोटोग्राफ मुझे मुझे लगता है ये दोनों फोटोग्राफ मैंने मलेशिया में लिए हुए कुआलालंपुर के, कुआलालंपुर में होटल पुलमेन के, वहाँ का एक बड़ा अच्छा फाइव स्टार होटल है होटल पुलमेन में। मैं तकरीबन 48 या 49 फ्लोर पे था, यहाँ पे मैं 50वें माले पे होंगे, 49 49 माले पे के वहां से मैंने अपनी विंडो से ये फोटोग्राफ लिए कि काफी ऊंचे फ्लाई ओवर से उनके फोटोग्राफ मैंने ये लिए हुए के। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक शहर में सड़कों का जाल होता है पूरा के, क्या होता है कोई भी सड़क इंडिया ऐसा नहीं है कि एक रोड है वो रोड से कई दूसरे रोड निकलते हैं, कई दूसरे रोड आके मिलते हैं। मान लीजिए आप यहां से बॉम्बे से आप यदि इंदौर जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल रोड बना हुआ है किसी बॉम्बे से इंदौर ही जाएगा, लेफ्ट और राइट कहीं नहीं मुड़ सकते आप, कोई बीच में आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसमें कई सारे रोड आके जुड़ते हैं, कई रोड वहां से निकलते हैं कई जगह पर। तो मतलब यह है कि जैसे एक सड़कों का जाल होता है ना, एक नेटवर्क ऑफ रोड्स होता है, वैसे ही मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, ठीक है, कि कोई वाहन यदि कोई व्हीकल आया है तो वो कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी जहां उसकी मर्जी हो वहां जाकर वो उस रोड पे जा सकता है। और हर एक रोड एक मेटाबॉलिक पाथवे को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे, आपको बता दूं मैं कि एस कंपेयर टू मुंबई, यदि आप मुझसे पूछेंगे मैं मुंबई में रहता हूं, यानी हमारे देश का, यदि मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी के, यानी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कैपिटल है, जहां पर देश का सबसे अधिक टैक्स कलेक्ट होता है, जहां पे पूरे इंडिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, सबसे अधिक धन यहां पर है, वो जगह शहर है मुंबई, ठीक है। तमाम फिल्म स्टार बॉलीवुड यहाँ पर है, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन हैं, के अंबानी जी भी यहाँ पर रहते हैं, के आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो तमाम बड़े सेलिब्रिटी बड़े बिजनेस घराने सब मुंबई के अंदर है ना, बड़ा शहर है, चमचमाता शहर है। कोरोना ने भी जो है चमक कम कर दिया, अदरवाइज मुंबई में अभी जब कोरोना के ठीक पहले रात भर मॉल खुले, 24 आवर मॉल ओपन करने का ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ने कि 24 घंटे मॉल्स खुले रहेंगे, 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। तो मुंबई जो है उसमें आपको कभी रात के 3 बजे 4 बजे भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई होटल्स खुले हुए मिल जाएंगे, चमक मिले रहे रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जो है वो यहां पर जो 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 डिस्कोथेक है पब है वो सब चालू रहते हैं, डिफरेंट शहर। लेकिन तब भी यदि आप मुझसे पूछेंगे मैं बोलूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुंबई इज क्वाइट पुअर, बहुत मतलब बहुत सुधार की गुंजाइश है मुंबई में, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने बैंकॉक देखा हुआ है, मैंने कुआलालंपुर देखा हुआ है, मैंने जो है वो बैंकॉक कुआलालंपुर के, और यदि आप देखें और दुबई की बात करें कि दुबई के हैं, चलिए हम यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री को छोड़ देते हैं कि हम अपने एशिया में ही देखें तो हमने जो है वो यहां पर बैंकॉक की बात करें, हम कुआलालंपुर की बात करें, यहां पे हम क्या मनीला की बात, तो हम देख पाएंगे कि ये जो जो सिटीज हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, सड़कों का पूरा नेटवर्क फ्लाईओवर का जाल बना हुआ है। दिल्ली का काफी अच्छा है, मुंबई की तुलना में फ्लाईओवर ये सब चीजें दिल्ली में काफी सारा है डेवलप हुआ है, मेट्रो दिल्ली का जो है वो हम जानते हैं, अब मुंबई में भी मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन मुंबई में चूंकि मुंबई एक आइलैंड है तो थोड़ा लिमिट जगह भी लिमिट है यहाँ पे, तो क्या है कि सड़कों का पूरा जाल बना हुआ है यहाँ पर। मतलब आप मैंने देखा कि ये जो जो कुआलालंपुर में देखा मैंने कि ट्रैफिक बिल्कुल लेन है, सर एक लेन आपने गौर से देखा, गौर से देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ियां बिल्कुल लेन में एकदम लेन में व्हीकल के, और आप देखिए फ्लाईओवर के ऊपर से ऊपर से जो है मोनोरेल, यहाँ पे मोनोरेल बड़ा पॉपुलर है वो चल रहा है पूरा यहाँ पर के, और हर 2 मिनट में मोनोरेल आता है यहाँ पेट के, और होटल के बेसमेंट तक से निकलता हो जाता है, मतलब जो बड़े बड़े होटल है वो भी कनेक्टेड है वहां पे, जबरदस्त फैंटास्टिक क्या। तो ये जो जो अब आप बोलोगे सर ये कहां, अरे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, जैसे कि सड़कों का पूरा फ्लाईओवर का पूरा जाल है ना, ऐसे ही जाल को आप इमेजिन कीजिए कि मेटाबॉलिक पाथवे में हर एक कार आपको यहां पर दिखाई दे रही है वो एक मेटाबोलाइट है, वो एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल किधर भी निकल सकता है, ओके जहां उसकी मर्जी उस सड़क पर जा सकता है, उस सड़क पर आगे वो प्रोसीड कर सकता है, कर सकता है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक। मैं बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस, ये जो है वो मैं वाकई में मैंने जो है गूगल से फोटो नहीं उठाया है, बताने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब मैं मेरे को इस तरह के कई इनविटेशन मिलते थे, 2016 का काफ़ी पुराना हो गया ये इनवाइट के, इसके बाद में दुबई बहुत कई अलग अलग कंट्री भी गया हुआ हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज टू बिकम ए स्पेशल डॉक्टर के, जब आप एक डॉक्टर बनते हैं ना तो आपको क्या लगता है, केवल आप इलाज कर डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, आप एक
स्पेशलिस्ट बनते हैं आप, ठीक है ना। सुनो बात को, अभी ये अभी लेक्चर छोड़ के ये मोटिवेशन में बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, तो पता है आपको, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इनवाइट करते हैं, आपको जुड़े रहना पड़ता है, आपको अवेयर रहना पड़ता है। आप शुरू शुरू में एक आध दो कॉन्फ्रेंस जाते हैं आपके, आप वहां जाके अपना कुछ प्रेजेंट करते हैं अपने आपको, फिर धीरे लोग जानने लगते हैं आपको। फिर जैसे मुझे आपको बता दूं कि मुझे कम से कम जो है वो दुनिया भर में मुझे कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूं कि कम से कम 53 कंट्रीज, जिनके मैं एक साथ नाम भी नहीं लिख सकता हूं, 53 कंट्रीज के डॉक्टर्स मुझे जानते हैं, कम से कम 53 कंट्रीज के डॉक्टर मेरे को जानते हैं, और हम लोग के ग्रुप भी बने हुए हैं व्हाट्सएप पे उनके, जिसमें कि हम कंट्रीज कॉन्टेक्ट में रहते हैं। मतलब मुझसे आप पूछेंगे तो आई नो डॉक्टर फ्रॉम इराक, आई नो डॉक्टर फ्रॉम सीरिया ऑल्सो, आई नो डॉक्टर फ्रॉम हांगकॉन्ग, आई नो डॉक्टर फ्रॉम चाइना, आई नो डॉक्टर फ्रॉम फिलीपींस, डॉक्टर फ्रॉम इंडोनेशिया, डॉक्टर फ्रॉम श्रीलंका, डॉक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, डॉक्टर फ्रॉम नेपाल, डॉक्टर फ्रॉम लंडन के, डॉक्टर फ्रॉम न्यूयॉर्क, डॉक्टर फ्रॉम कैलिफोर्निया, डॉक्टर फ्रॉम मेलबोर्न, डॉक्टर फ्रॉम न्यूजीलैंड के, मतलब कई तो कंट्री के नाम नहीं मालूम, अजरबैजान उसके डॉक्टर को मैं जानता हूं, ठीक है, कांगो, इथोपिया, यहां के डॉक्टर्स को भी मैं जानता हूं। इथोपिया के डॉक्टर तो मुझसे बोले वो कि सर मुझे आपके यहां पर जो है वो आपके क्लिनिक में 10 दिन आके मुझे जो है वो बैठना है, और मैं आप मेरा स्टे कहीं करवा दीजिए किसी होटल में, मैं आऊंगा और आपसे ट्रेनिंग लूंगा 10 दिन आकर के। तो मैंने कहा भाई ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तुम्हारा इंस्टीट्यूट है नहीं है। फिर उसी दौरान क्या हुआ, कोरोना का समस्या आ गया, अदरवाइज वो डॉक्टर यहां विजिट करते और ही इज वेरी वेरी गुड डॉक्टर इन इथोपिया, बट ही इज ए जनरल फिजिशियन, तो ही वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन दी डायबिटीज मैनेजमेंट। तो हम मुझे आप देखिए ना, इनविटेशन लिखा है उन्होंने, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर पीपीटी प्रेजेंटेशन, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वी कॉर्डली इनवाइट यू योर प्रेजेंस एज एन ऑनरेबल गेस्ट ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑन दैट, कि आप एज एन ऑनरेबल गेस्ट वी उसमें लिखा उन्होंने कि आप कुछ वर्ड बोलिएगा 5 से 10 मिनट तक है। मतलब आप सोचिए ना कि जो चीफ गेस्ट होता है, आप प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, और आपको पता है जब मैं वहां जाता हूं तो मेरे साथ में इंडिया वर्ड जुड़ा होता है, जब मैं बोलता हूं तो मेरे स्टेज पर इंडिया का फ्लैग लगा होता है, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री इन द इंटरनेशनल फोरम। वहां जाके मैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स का एक ग्रुप है पूरा का पूरा, एक कॉन्फ्रेंस करने वाले ग्रुप होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं अलग अलग जो है, उसमें फार्मा कंपनीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो उस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस को जो है वो पुट अप करती है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये सारे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, इन कॉन्फ्रेंस में यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। जब मैं दुबई एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहां टेबल लगा हुआ था, तो वहां पे क्या था, कंट्री वाइज टेबल, जैसे मेरे जब जिस टेबल में बैठा था तो मैंने बाजू वाले से पूछा कि आप कहां से, तो उसने बताया कि आई एम फ्रॉम श्रीलंका। इस दूसरे से पूछा मैंने, उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं, मैं बांग्लादेश से हूं, मैं नेपाल से हूं, मैं म्यांमार से हूं। मैंने कहा सारे पड़ोसी यहीं मिल गए, चाइना वाला ही वही था, वो टेबल लगा हुआ था हमारे नेबरिंग कंट्री वाला, फिर थोड़ी देर पे टेबल था अफ्रीकन कंट्री कौन, तो वो बकायदा मतलब हर एक आदमी के टेबल के सामने एक छोटा सा फ्लैग लगा था उसकी कंट्री का और उसका नाम लगा होता है। फिर वो जब कॉन्फ्रेंस होता है तो कभी कुछ पूछते हैं, कुछ बोलते हैं, आपको अपना बताना होता है, तो वो सब बकायदा एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, एंड आपको अपने देश पे गर्व होता है। आप बोल रहे होते हैं कि आपसे आप बता रहे होते हैं कि आप अपनी कंट्री का डेटा, कि मेरे कंट्री में इतने लोगों को डायबिटीज का ऐसा है, हम लोग ये कर रहे हैं, हमारी सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं कि उनके बारे में जो है बाहर प्रचार करके आ चुके हैं, ठीक है, करना पड़ता है। तो मेडिकल को आप क्या सोचते हैं, केवल जो है हाथ पकड़ के बुखार की दवा लिखना, यही एमबीबीएस है, नहीं है, एमबीबीएस के बहुत सारे पैराडाइम है बेटा, ठीक है, आपको भी बता रहा हूं, आप एमबीबीएस कीजिए, आप स्पेशल डॉक्टर बनिए, आपको दुनिया के कई देश देखने का मौका मिलेगा, कई देश देखने का मौका मिलेगा, ठीक है, आप जाओगे अपना अपना जैसे मैंने कम से कम 3 रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किए हुए हैं के अलग अलग उस पर, ठीक है, कई सारे हम लोग जो है वो अभी अलग अलग फॉर्म में, नहीं मैं लगातार जो है वो नई चीज अभी आई एम वर्किंग विथ एन साइंटिस्ट, मैं बताऊंगा नहीं उनके नाम को, पर हम लोग बायोनिक पैंक्रियास के ऊपर भी जो है वो जो काम चल रहा है उसकी उसमें एक छोटा सा काम मेरे को भी असाइन किया हुआ, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी आई एम इन सर्च ऑफ सम हर्बल मेडिसिन पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें से मैं केमिकल निकालकर डायबिटीज के एक मेडिसिन के रूप में मैं चाहता हूँ कि एक मॉलिक्यूल मुझे मिल जाए जिससे कि मैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर दवा भी प्रोवाइड कर सकूँ। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे नहीं मालूम है, फेलियर भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो उसमें, बट आई एम वर्किंग समवेयर, कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ काम में लगा रहता हूँ।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और यहीं से रिकॉग्निशन मिलता है आपको। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, याद रखना, ठीक है? वो ऊर्जा के समान है, एनर्जी का जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो जीवन में भी काम आते हैं। चलिए